Hello everyone, I'm Atari Sama and welcome to my channel. In the previous session, we have completed the fourth part of question number first, exercise 3.3. Okay, now move on to the next one, that is fifth part. And your question is, you are given the two equations. One is root 2x plus root 3y equals to 0, and second one, that is root 3x minus root 8y equals to 0, and you have to solve the value of x and y. So, root mein hai, to pehle darma jana jaja root mein hai, kaise solve karenge. Okay, keep patience and solve it carefully. जैसे पहले करे तो वैसे ही करोगे तो क्या लिखोगे गिवन दैट द इक्वेशंस हाँ जी ध्यान से इक्वेशन आपका फर्स्ट क्या है रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू व्हाट जीरो तो वाई की वैल्यू चाहिए तो चलो निकालते हैं वाई की वैल्यू तो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री वाई और यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ x की तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस रूट थ्री वाई बाय रूट टू कुछ ऐसा अब ये मत कहना सर यहाँ पे x की क्यों निकालें x का निकालो या y का निकालो इन बोथ द केसेस विल गेट द आंसर सेम ओके तो ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन क्या है अब पुटिंग वैल्यू पुट कर लो तो क्या लिखोगे यहाँ देखना सेकेंड इक्वेशन को नाउ putting the value of x in second अब सेकेंड वाले में आप पुट करो वैल्यू किसकी है x की अब ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन सेकेंड में होगा यह है आपका रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो तो रूट एट को आप कुछ ऐसा करोगे ध्यान से देखना कि आपको कुछ ऐसा आता है टू रूट टू ठीक है तो रूट एट के जब आप क्या लिख सकते हो माइनस टू रूट टू वाई सॉरी टू रूट टू वाई इक्वल्स टू वट जीरो ध्यान से देखना यहाँ से एक्स की वैल्यू रखनी है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे ओके ध्यान से देखना ना इट इज एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो ये हो गया आपका रूट थ्री और x की हो गई आपके माइनस रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू एंड इट इज़ माइनस ऑफ वट टू रूट टू वाई इक्वल्स टू वट ज़ीरो क्लियर अब यहाँ पे आपका ये क्या हो गया रूट थ्री यहाँ से गया तो माइनस थ्री वाई अपॉन रूट टू माइनस ऑफ इट इज़ वट टू रूट टू वाई इज इक्वल्स टू वट ज़ीरो तो अब यहाँ से एलसीएम आप लोगे तो रूट टू आया ये गया माइनस थ्री वाई ये आपका आया वाट हाँ रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये ध्यान से देखना टू टू जब फोर तो फोर वाई इज इक्वल टू जीरो कहोगे सर यहाँ पे कैसे होते यहाँ पर थोड़ा सा समझना यहाँ वन है तो रूट टू से ये मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी रूट टू इंटू टू रूट टू टू तो टू ही रहेगा दो रूट टू मिल क्या हो जाएगा टू इट विल वाट फोर क्लियर नाउ इट विल बी ये आपका हो जाएगा माइनस सेवन वाई इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू वट जीरो वाई की वैल्यू जीरो आ गया तो अब क्या करना है नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वट वाई इन फर्स्ट वी गेट अब वाई की वैल्यू फर्स्ट में रखो फर्स्ट क्या था आपका इट वाज एक्स इक्वल टू वट रूट थ्री वाई बाय रूट टू ये माइनस में था तो वाई की वैल्यू तो जीरो है तो इट विल बी वट एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री इंटू जीरो बाय रूट टू इट विल बी एक्स इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो यहाँ दोनों एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई जीरो तो लास्ट में इट विल बी वट हेंस वी गेट एक्स वाज ऑल्सो जीरो एंड वाई वाज ऑल्सो जीरो इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ओके दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन And in the next lecture, we will discuss next part, okay? Thank you very much and take care.